महिलाओं के प्रति आज भी हमारे समाज की सोच यही है कि वो सिर्फ घर और बच्चों को ही संभाल सकती हैं। लेकिन अगर हम महिलाओं की उपलब्धियों की बात करें तो आज महिलाओं ने मर्दों से भी ज्यादा नाम कमाया है। बात चाहे बॉलीवुड की हो, राजनीति की हो, बैंकिंग सेक्टर की हो, स्पोर्ट्स या एंटरप्रेन्योर की हो, महिलाओं की उपलब्धियां कई गुना ज्यादा हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की बल्कि देश का नाम भी रोशन किया। बॉलीवुड में सबसे पहले नाम आता है कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को हुआ। कंगना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म गैंगस्टर से की। खबरों की माने तो कंगना को अपने करियर की शुरुआत में सीक्रेट फिल्म में ही ऑफर हुआ करती थी। कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ कंगना का नाम भी लिया जाता है लेकिन कंगना का मनोबल नहीं टूटा। इसी के बदौलत आज कंगना बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है जो हर बार बेबाक होकर सवालों का जवाब देती है। कंगना को पद्मश्री 2020 से सम्मानित भी किया गया। राजनीति सेक्टर में स्मृति ईरानी का नाम सबसे आगे है। स्मृति ईरानी की कहानी को कौन नहीं जानता। एक्ट्रेस बनने का जुनून रखने वाली स्मृति ने अपना घर तक छोड़ दिया जिसके बाद वो मुंबई आ गई। बतौर कलाकार अपनी पहचान बनाने वाली स्मृति आज राजनीति में जाना माना नाम है। आज वो भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में काम कर रही है। बात अगर स्मृति ईरानी की उपलब्धियों की करें तो उनको अपने फिल्मी करियर के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। अगर स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें तो हरिका द्रोणावल्ली का नाम हमेशा लिया जाता है। महज 7 साल की उम्र में चेस खेलने वाली हरिका का जन्म 12 जनवरी 1991 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ। छोटी उम्र में चेस खेलने वाली हरिका का नाम भारत की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में लिया जाता है। हरिका ने 2011 में ग्रैंड मास्टर का टाइटल हासिल किया। हरिका को और भी बहुत से अवार्ड मिले हैं जैसे 2007 में अर्जुन अवार्ड, 2019 में पद्मश्री, महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक, 2007-2010 में कॉमनवेल्थ वुमेन चेस चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुकी है। इसके अतिरिक्त वो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कई तरह के अवार्ड और टाइटल हासिल कर चुकी हैं। बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली कल्पना मोरपारिया का नाम भी इसमें आता है। कल्पना ने 33 वर्षों के लिए ICICI बैंक में काम किया और आज वो JP Morgan इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने भारत सरकार द्वारा बनाई गई कई समितियों में अपनी सेवाएं दी हैं। तीनों बहनों में सबसे छोटी होने के कारण कल्पना सबकी लाडली थी। छोटी उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने बतौर अध्यापिका काम किया। कल्पना अपनी निजी जिंदगी में हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती थी। इसी के कारण उनके सपनों की उड़ान में कोई कमी नहीं आई और इसी की बदौलत उन्हें 2008 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा द 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंटरनेशनल बिजनेस का नाम दिया गया। फॉर्च्यून इंडिया 2018 के अनुसार वो भारत की 69वीं सबसे शक्तिशाली महिला है। नौसेना में उपलब्धियों की बात करें तो लेफ्टिनेंट शिवांगी का एक जाना माना नाम है। हम सब ये बखूबी जानते हैं कि भारत में सेना के सेक्टर में औरतों को ज्यादा मौके नहीं मिलते मगर इन सब के बावजूद लेफ्टिनेंट शिवांगी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। 24 साल की शिवांगी बिहार की रहने वाली हैं। शिवांगी के पिता सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनकी माता हाउसवाइफ। शिवांगी कहती हैं कि मेरे परिवार ने कभी मुझे अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोका। इसी की बदौलत वो आज भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। वहीं अगर हम एंटरप्रेन्योर सेक्टर की बात करें तो इंदिरा न्यूई इस इंडस्ट्री में वो नाम है जिसने अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। पेप्सिको नाम तो आपने सुना ही होगा। इंदिरा पेप्सिको की अध्यक्ष हैं। वो भारतीय महिला उद्यमियों में सबसे प्रसिद्ध चेहरा हैं। इंदिरा का जन्म चेन्नई में 1974 को हुआ। 1994 में वो पेप्सिको में शामिल हुई और 2001 में इन्हें इसका अध्यक्ष और CFO बना दिया गया। इंदिरा को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया और भारत के कॉर्पोरेट नेतृत्व के लिए प्रेरणा भी माना गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें।